खबर लेने पटियाला तो जिथे पटियाला दे विच लगातार नजायज कब्जियां दा मामला सामने आ रहा है। इसे तरह दा एक मामला पटियाला दे अलीपुर राइयां पिंड तो सामने आया जिथे एक नौजवान वलो अपने दबे गए घर नूं लै के भारतीय किसान यूनियन कुटैड़ी कला दे किसानां दे नाल मिलके प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन करने वाले नौजवान रण सिंह दा कहना है कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों की तरफ तो उसके 180 गज घर उपर कब्जा कर लिया गया। उस घर की रजिस्ट्री कागज बिल अते होर तमाम कागज उसके पिता के नाम देने उपर ने, लेकिन फिर जिला प्रशासन उसका साथ नहीं दे रहा। पीड़ित परिवार अते किसानां दा कहना है कि इंसाफ दिता जावे। नौजवान का कहना है कि आम आदमी पार्टी की सरकार दे कुछ वड्डे मंत्री लीडरां च दोषियां दा साथ दिता जा रहा है ते उन्हां उपर नजायज कार्रवाई की जा रही है। सारा की है मामला, आओ मारदे पूरी खबर ते नजर। सरदार जंग सिंह किसान यूनियन भारती पटेड़ी कला जिहड़ा अज उरे दा मकसद है ना उहदे बारे जिहदे बारे आए हां असीं उह जगह सरजीत सिंह दी है। 2008 दे विच इहनां ने अपना जिहड़ा कारवाई करी आ पैसे दित्ते ने उह तों बाद इहनां दा जिहड़ा केस चलदा रहा कोर्ट केस चलदा रहा उह वी चल रहा है। तां हुण इहनां ने इत्थे मकान पाया वा रैश करी वी आ ते अपने कैमरे लगे हुए ने तां एसी लगे हुए ने रात रसोई बनी हुई है मीटर लग्या वा तो सारा कुछ इन्होंने अपना पूरा प्रोजेक्ट बना के अपना इतने रैश भी करते हैं रात में रेंदे भी रहे हैं पर जबरदस्ती सरकार ने ना पर जबरदस्ती करके इन्हों रात में चक्या इन्हों परचे पाए गए। राणा सिंह चक्या राणे सिंह के 7-5 का परचा होया सुरजीत सिंह उहदा चंडीगढ़ जाके उन्हों एंट्री एंट्री बेल मिली है तो इस करके इन्हों धमकाया जा रहा है भी जे तुसी इत्थे आएंगे थोनू थोड़े पर असीं होर भी कार्रवाई करांगे। ते किसान यूनियन पटेड़ी कला वालों जिहड़ी मतलब यूनियन है जां मेरियां होर भी वीर यूनियन ने उहने असीं सारे बैठ के इन्हां दा समर्थन देवांगे इन्हां नूं न्याय हो मिलना चाहीदा। इस करके मतलब इन्हां नाल बहुत गलत कम हो रहा है क्यों मतलब धक्का हो रहा है सरकार जिथे भी हैगी उत्थे धक्का कर रही है धक्का असीं चलन नहीं देना है। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਜਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਆਹ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਕਾਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਗਜ਼ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? 180 ਗਜ਼ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਲਾ ਜੀਤਪਾਲ ਕੋਹਲੀ ਆ ਇਹ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਧੱਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਦੀ ਆ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਬਦਲਾਅ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਬਦਲਾਅ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਹੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਧੱਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਦੋ ਵਿਘੇ ਦੋ ਦੋ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਮਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸਰ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਰਣ ਸਿੰਘ ਲੰਗ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਲੰਗ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ 180 ਗਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2008 'ਚ ਲਈ ਸੀ। 2008 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੋਏ ਮਕਾਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੈ। 2017 'ਚ ਅਸੀਂ ਚਾਦਰਾਂ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਲੈਂਟਰ ਪਾ ਕੇ ਰਸੋਈ ਬਾਥਰੂਮ ਬਣਾ ਕੇ 2021 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੀਟਰ ਲਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦਾ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ। 2022 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਟੇਅ ਲੈ ਲਈ ਸੀ, ਔਡਰ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਰੌਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਰੌਲੇ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਟੇਅ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਟੇਅ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ 'ਤੇ 420, 120, 160 ਕਈ ਧਾਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਪੰਚ ਹੈ 2008 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2008 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਘਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਟੇਅ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਡਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ 18-8-2023 ਦੀ ਤਰੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਅ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਇਹ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। 9-8-2023 ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 8:30 ਪੁਲਿਸ ਆਈ, 8 ਜਣੇ ਆਏ। ਆਉਣ ਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ DVR ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਸਕੂਟਰੀ, ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬੁਲਟ
एक विस्टा कार एक टोयोटा ओटाओस कार वो धक्के चक के अनाज मंडी थाने एस एच ओ अमनदीप सिंह बराड़ सानू थाने लै गए तो मैनू कहने भी तेरे से अभी 307 का परचा लावे तू लड़ रहे हैं उरे झड़ रहे हैं मैं कहा सर तुम तो आए हो उरे होर पार्टी तो आई नहीं कोई इन्होंने मैं हवाला च बंद रखिया अगले दिन मेरी 751 की बेल हो गई जदों मैं अगले दिन उरे आया मैं पुलिस पार्टी ने फिर डराया धमकाया भी जो तू इत नेड़े दिख गया तो तेरे से असी कार्रवाई करांगे उस तो बाद मेरे डैडी के अंदर बैडा का एक लॉकर से वह तोड़ के मेरे डैडी की असले वाली रफल 315 बोर वो एस एच ओ धक्के उत्थे थाने च लै गया ना उन्हें उदी कोई आमद की ना कोई कार्रवाई की वो दे नहीं रहा एक एक्टिवा स्कूटरी नहीं वापस दे रहा उत्तों मेरा परस मेरे परस चो डॉलर से कुछ पैसे से वह पुलिस ने वह भी रख ले मैं जे कहा तो कहते तेरा परस मिल गया यही बहुत है भी तू बग जा नहीं तेरे से 307 लावे आ तेरे डैडी की रफल पई है तेरे से पावे ये बहुत ही नजायज़ धक्का कर रहे हैं साढ़े को 180 गज की रजिस्ट्री है मौजूदा उरे बहुत लंबे समय तो रह रहे हैं आले दुआले जिहड़े मर्जी गवांढी नूं पुछ लो जिहड़ा उन्हां कोल बिन है वह 417 गज का उन्हां कोल फ्रंट बाईपास है पिछे 20 फुट रस्ता है ये अपना जिहड़ा मकान बनया होया इहदे कल्ला फ्रंट बाईपास है पिछे इहदे कोई रस्ता नहीं हैगा मौके ते वीडियो बनिया हुई ने सब देखिया हुई ने आ इन्होंने दो चार दिन च धक्के ते मैनूं आउण नहीं दिता डैडी मेरे हाईकोर्ट कम आ उन्हां नूं हाईकोर्ट भी केस चलदा है इन्होंने आ एक दो दिन च आह रंग बदलता इन्होंने पहला क्रीम रंग होया वा सी हुण इहने ग्रीन रंग करता दूजी गल एक हरपाल सिंह एस डी ओ बिजली बोर्ड का एक रामा लैनमैन एक बली जई उन्हां दी मिली भुगत नाल उन्होंने मीटर चोरी कराया मीटर चोरी करा के हुण उहदे बयाने ते नवा कनैक्शन लाउण नूं फिरदे ने जदों तक पहला पिछला कनैक्शन क्लोज नहीं हुंदा वह नवा कनैक्शन दे नहीं सकते वो धक्के दुबारे उन्होंने नाम से नवा कनैक्शन ला रहे हैं ये सारी मिली भुगत विधायक MLA अजीतपाल कोहली विधायक MLA डॉक्टर बलवीर उन्हों का ब्रदर इन ला अपना बलविंदर सैनी ये सारे कार्रवाई कर रहे हैं तो जेडे मूहरे होके कर रहे हैं मदन भारतवाज आलोवाल तफीक खान है अपना उधर रहा बाजार चेसी मार्केट वाली साइड एक रोहित जिंदल है एक रोहित जिंदल एक नाम हो रहा दोनों भरा ने जिंदल ने दोनों उन्होंने उन्होंने बयाना किया होया उन्होंने जिथे उन्होंने जगह बनती उत्थे ले लैन वो साढ़े एक उन्होंने 417 गज है साढ़ी 180 गज है बाकी उन्होंने जगह कितने गई जो उन्होंने कोई पूछे सरकार का नुमाइंदा भी थोड़ी बाकी जगह कितने है साडी आपसी भाईचारक सांझ थी असी उन्हूं फुल पेमेंट की रसीद देती सी असी रजिस्ट्री नहीं कराई साडा प्रेम प्यार सी जदों उन्हूं कहा उन्हें अज रजिस्ट्री सानू 2022 च करवाती जे तां उह मुकरदा भी मैं रजिस्ट्री नहीं करवाई उहदी जगह बनती सी कब्जेदार बैठे सी असी जदों असी उन्हूं कहा असी अपनी रजिस्ट्री करवा ली 2008 च असी 8 लाख रुपया दिता सी बिल वगैरह सारा कुछ रसीद है जी वैलड रसीद है जो तहसील चो मिलती है हुण असी यही प्रशासन नूं मंग करदे आ भी वह जबरदस्ती सानू अंदर नहीं बढ़न दे रहे ते आप उन्होंने कब्जा का फिलहाल साडे कोल है पर सानू धक्के ते पुलिस अंदर नहीं बढ़न दे रही उन्होंने रात नूं चोरी करा दी कुछ दिने समान चुकाता 2 AC लगे हुए सी बैड फ्रिज बाथरूम का समान तोड़ भन्न करती उन्होंने सारा समान चोरी करवा कब्जा तो होया नहीं है सिर्फ 9 तरीक नूं सानू पुलिस चक के लै गई सी पर सानू इत्थे बढ़न नहीं दे रही घर के अंदर मदन भारतवाज ते तफीक खान दो चारों ने होर मुंडे माडे बुलाए हुए ने हैगे ने 20-25 गुंडे पुलिस मुलाजम भी इत्थे दिखण च मिलदे ने आउंदे ने शाम शूम नूं आउंदे ने इत्थे गेड़ी कढ़दे ने इत्थे नेड़े नाका है जदों भी साडे वर्गा दिखदा उहनां नूं गड्डियां साडियां नोट ने जदे पुलिस सानूं डरा धमका के कहिंदी आ जाओ इत्थे की करदे मैं उरे फोकल पॉइंट ड्यूटी करदा फायर ब्रिगेड च मेरा रस्ता भी यही है तां भी मैनूं धक्के ते इत्थों रोकिया जा रिहा इहनां ने उपरों फोन भी करिया साडे कमिश्नर साहब नूं वी इहनूं ड्यूटी ते हाजर ना किया जाए मैं 9 तरीक तो ड्यूटी भी नहीं गया अगला असी साडे प्रधान साहब ने असी इहनां दी सलाह नाल पूरा तकड़ा धरना लावांगे असी रोड ते बैठांगे सानूं साडा बणदा हक दवाया जी धन्नवाद ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਲੀਪੁਰ ਵਾਲਾ ਹਾਂ 8 ਤਰੀਕ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਇੱਕ 54 ਨੰਬਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਆ ਇਹ 23-5 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੰਗ
ਤੇ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਂਗਾ ਉਸਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬੇਲ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਲ ਲਗਾਈ ਸੀ ਆਪਣੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਸਟੇਅ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਜੇ ਲੋਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆ ਕੇ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਵੈਂਸ਼ਨ ਐਕਸ਼ਨ 107 151 ਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸੇ ਅਮਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਜੋ ਬਾਕੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਜਾਂ ਬੇਬਨਿਆਦ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਛ ਵੀ ਮਤਲਬ ਲਿਆਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਥੇ ਲੋਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਸੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸੇ ਅਮਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਕੀਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 315 ਦੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪਿਸਟਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਬਲਜੀਤ ਸਰਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।